इजी होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्पेशल खाद के बारे में बताएंगे। ये प्याज का छिलका है और ये केले का छिलका है। दोस्तों ये केले का छिलका है और ये अंडे के छिलके हैं और ये चाय की पत्ती है। दोस्तों केले के छिलके को लिक्विड में भी बनाते हैं, लिक्विड खाद भी, और इसको पीस करके भी इसकी खाद बनाते हैं। और चाय की पत्ती को धो के सुखा लिया और उसके बाद इसको और ये प्याज के छिलके को और ये अंडे के छिलके को, ये सब तीनों को मिला के पाउडर बना लेते हैं। और ये केले के छिलके को भी पाउडर बनाने के बाद एक एक चम्मच दे देते हैं। और ये हमने पाउडर बना लिया दोस्तों, ये हमने पाउडर बना लिया। अब इस पाउडर को आप चाहे किसी हामिल दस्ते में कूट लीजिए, चाहे उससे बट्टे से किसी बोरी में रख के आप कूट लीजिए, चाहे आप अगर मिक्सी में पीस सकते हो, कूट सकते हो तो उसमें कूट लीजिए, किसी चीज़ में भी आप पीस सकते हैं। और ये ठंडी खाद है, ये गर्मियों की बहुत अच्छी खाद है। इसकी गुड़ाई करके और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच देना है दोस्तों। और फिर एक एक चम्मच देने के बाद इस सारे जो है, ये जैसे सात सात दस दस कलिए और फूल निकले हुए हैं, तो इस तरह से आपके गुलाब में और आपके हिबिस्कस में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी और बहुत सारे ढेर सारे फूल आएंगे। इसलिए आप इस ठंडी खाद को आप ज़रूर यूज़ करिए। और दोस्तों एक बात और बताऊंगी कि इसको जो है लिक्विड में भी आप, लिक्विड फॉर्म में भी आप इसको उकर सकते हैं। पानी में आप इसको भिगा दीजिए और तीन दिन के बाद इसका लिक्विड एक लीटर पानी में, एक गिलास को एक लीटर पानी में आप एक गमले में आप दे सकते हैं और इसमें खूब ढेर सारे फूल आएंगे और पत्तियां भी चमकदार बनेंगी। और आपके किसी फ्रेंड्स के पास गुलाब और गुड़हल है तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।